100 तक का टेस्ट करें दिखाएंगे हम आपको उनकी दिखा रही बारिश में। आगे भी आपको इस चैनल पे और सारे बहुत सारे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार जितनी गाड़ियां सारे रिव्यू मिलेंगे। फिलहाल जो फैमिली कार है वो दिखा रहा हूँ, आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई कार है तो। इस तरह से स्विफ्ट से तो आप बैटरी बोल सकते हैं इसको, पिकअप बहुत अच्छा इसका, ये गया था समारी के ऊपर आवाज। हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल है, उम्मीद करता हूँ फिटर फाइन हो गया आप। हमारी जो रिव्यू की सीरीज शुरू करी थी हमने उसमें पहला डाला था बुलेट का, आपने बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जो आज है रिव्यू, दो रिव्यू सेकंड है, ये रिव्यू नहीं कह सकते इसको मैं ना, ये मेरी पर्सनली कार है मतलब फैमिली कार है, एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि मतलब मान लिया आप कोई भी कार यूज करते हैं तो मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ रिव्यू कम एक्सपीरियंस ज्यादा कह सकते हैं आप इसको। और प्रेजेंट आपके सामने i10 ग्रैंड i10, अब तो i10 न्यूज आने लगी है और आज जो हमारा रिव्यू रहेगा वो रहेगा i10 गाड़ी का, बहुत क्लोज है और बहुत क्लियर था। इंजन विंजन का तो बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो सब करता है, 1200 cc इंजन होता है। मैं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में है इसका कितना फायदा है और कितना नुकसान है, और जो इसका रेट वगैरह है इसके जो कंपटीशन में और कार है आज के टाइम में लेने का फायदा है या नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, बम्पर दे रखा है, ग्रिल है ब्लैक कलर की, इसमें कोई भी इन्होंने स्टील का यूज नहीं कर रखा, सिंपल ग्रिल दे रखी है, फोग लैंप दे रखे हैं इन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हेडलाइट है बहुत प्यारी शेप दे रखी है इसमें, और हेलोजन बल्ब का यूज कर रखा है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंडिकेटर दे रखे हैं। ये हो गया हुंडई का लोगो, दूसरे साइड होगी आपकी फिर लाइट। अब ऐसे करते हम, ये हो गया आपका एक तरफ पूरा फ्रंट दिखा दो उनकी, ये हो गया फ्रंट। अब आते हैं साइड में, बेस मॉडल है तो इसलिए जो इंडिकेटर वो फेंडर पे दे रखे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लगवा सकते हो पर जो एक बार यहाँ पे आ गया वो यहीं पे ठीक लगता है। ये हो गया इसकी साइड की लुक, शार्पी नहीं है बिल्कुल सिंपल सी बना रखी है इन्होंने, और हाँ जो इसकी की होती है उसमें इन्होंने लॉक अनलॉक का दे रखा है, वो यहीं से हो जाता है आप देख सकते हो। अब आप आते हैं ऐसे करके इसके बैक साइड में, बैक साइड में इन्होंने ये लाइट की शेप दे रखी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और इसको प्रेस करने पर एक लाइट जलती है यहाँ पे रिवर्स की, ये नीचे होगी 1.2 का साइन, Hyundai का लोगो, यहाँ पे बैक कैमरा मैंने बाहर से इसमें फिट करा रखा है एक्स्ट्रा एक्सेसरी में, ये नंबर प्लेट, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर हो गए। ये हो गई इसकी बैक की लुक जो फिलहाल में आ रही है ना i10 न्यूज आ रही है वो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, उसका साइज थोड़ा सा कम कर दिया, ये वाली ज्यादा है। और यहाँ से बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको, एक आपको हेल्दी बूट स्पेस मिलता है, आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं, CNG हमने इसमें लगवानी रखी है, और ये होगी पार्सल ट्रे, ये भी बाहर से लगवाई थी क्योंकि बेस मॉडल में ये भी नहीं आती इसके। अब आ जाओ आप इसको, ये हो गया इसका पूरा जो बाहर से था आपको वो दिखा दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका गाड़ी का अंदर से। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं स्टेयरिंग से, इसमें एक तो मैं आपको जो स्पेस दिखाता हूँ, ये देखो क्लियर आ रहा है मेरे को, ठीक है कितना आप पीछे कर सकते हो देखो कितना स्पेस मिलता है, इतना प्रैक्टिकल पीछे करके कोई गाड़ी नहीं चलाता, ये तो बस बोलने के लिए होता है, इतना कर दिया मैंने इसको पीछे। हाइट मेरी 5'10" है, 6 फुट तक इसमें परफेक्ट की शेप का बंदा जो 6 फुट तक आ सकता है, और इसको यहाँ ये मीटर दिखाना है एक बार इसका, यहाँ फ्रंट में लिया इसको, और ये देखो इसका मैं आपको फ्रंट का दिखा देता हूँ। ये जो एंड्रॉइड सिस्टम आप देख रहे हो ये बाहर से लगवा रखा है, इसमें बिल्कुल भी ना 2D था ना 3D था, AC के पॉइंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 तक, 1 पे चलाता हूँ मैं पर्सनली देखो इतनी गर्मी में भी पर बहुत बढ़िया रहता है, और ये हो गया AC का पॉइंट। अब इसके बात करते हैं सेंट्रल की, एक बार मैं आपको यहाँ से अपने चश्मे उठा देता हूँ, ये जो है RPM मीटर दे रखा है, बीच में स्पीडोमीटर दे रखा है, साइड में पेट्रोल का हो गया, और छोटा सा डिजिटल मीटर दे रखा है जिसमें आप 53,000 ये गाड़ी अब तक चली है, और ऊपर रोड ट्रिप वगैरह देख सकते हो। इस तरह से ये हो गया इसका बिल्कुल सेंटर का, आप देख सकते हो ऊपर मिरर दे रखा है, और ये होगी लाइट इसकी। इस साइड इन्होंने नीचे बॉक्स दे रखा है, इसमें भी आप हेल्दी अच्छा खासा सामान रख सकते हो, और आगे ये साइन है अपना एडवोकेट आपका भाई, और ये होगी साइड को पैसेंजर की सीट। इसमें जो ये स्टेयरिंग है ये सिंपल मिलेगा आपको, बस ट्रिप का और रीसेट का दे रखा है, बाकी इससे जो ऊपर मॉडल आते हैं उसमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब मिल सकता है, एयरबैग है, हॉर्न का लोगो है, आगे के फ्रंट के 2 एयरबैग दे रख सकते हैं। और अब ये सीट मैंने की थोड़ी सी आगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रियर की सीट, अब आपको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैंने अपनी हिसाब से आगे जो मैं चला रहा था उसके हिसाब से सेट की, तो देखो पीछे बहुत ज्यादा थाई स्पेस बहुत अच्छा मिलता है,
और ये देखो पीछे का भी स्पेस बहुत अच्छा है। तो स्पेस के मामले में मैं आपको अगर बताऊं तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, अंकित ये वाली चीज बताना, ये जितने भी होते हैं स्विफ्ट का बीच वाला मॉडल ले लो, किसी का भी बीच वाला मॉडल ले लो, उसमें एसी इवेंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसमें आपको पीछे भी एसी इवेंट दे रखे हैं। हुंडई है जो पोस्ट फिटिंग थोड़ी कम करती है, बेसक से मारुति से तो शायद थोड़ी महंगी होगी, पर स्विफ्ट से बहुत बेटर कार बोल सकता हूं मैं इसको। इस तरह से आपका, आपने देखा आज हमारा था ये जो पहली गाड़ी का रिव्यू करा है, ये मैंने ना कोई ज्यादा नहीं था, बिल्कुल छोटे से उसमें बढ़ाया, ये मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एक तरह से वो बताया। 2020 मॉडल है, 53,000 के लिए। एक सबसे बड़ी जो चीज में चीज है, स्विफ्ट नहीं भी हमारे पास, वो भी उसका ही बहुत जल्दी आपको रिव्यू देखना मिलेगा। थोड़ी थोड़ी सी आवाज आती है, इसको आप कितनी चला लो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अंदर से आपको इसमें कहीं भी एक बार अंदर की साइड ले जाना, अंदर की साइड आ जाओ, इसमें अंदर की साइड आ जाओ बैठ के। देखो अब ये गाड़ी हमने चालू कर दी है, आवाज नहीं है बिल्कुल भी, आपको एक बार में ये भी नहीं पता लगेगा कि ये गाड़ी चालू भी है या नहीं। बिल्कुल ये अब चालू है, ये पहला गियर लगाया और ये चल पड़ी। और ये देखो मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह की इस गाड़ी में आवाज नहीं है। और दूसरी साइड आप स्विफ्ट लेके देख लो, बिल्कुल ऐसी आवाज आती है उसमें, पता नहीं किसी किसी तरह की आती है। स्विफ्ट से तो आप बैटरी बोल सकते हैं इसको। पिकअप बहुत अच्छा है इसका, ये गया चश्मा नीचे ऊपर आ भाई, पिकअप बहुत बढ़िया है। हुंडई का इंजन मारुति से बहुत अच्छा रहता है। 100 तक का टेस्ट करके दिखाएंगे हम आपको, उनकी दिखा रहा है एक बार इसमें। ये देखो पिकअप बहुत बढ़िया है इसका, थर्ड गियर में ही है अभी, किसी भी तरह की आपको इसको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई भी आवाज आएगी। तो इस तरह से आज हमारा था जो एक और रिव्यू पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ गाड़ी का मेरा फर्स्ट टाइम था, इतना मैंने हो सकता है सारा नहीं दिखाया हो, पर फिर भी जो था एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आपके साथ। आगे भी आपको इस चैनल पे और सारे बहुत सारे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार जितनी गाड़ियां सारे रिव्यू मिलेंगे। फिलहाल जो फैमिली कार है वो दिखा रहा हूँ, आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई कार है तो। इस तरह से हमारा सेकंड रिव्यू पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।